अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड MGT111 का लेसन नंबर 30। बहुत ही बोरिंग सा लेक्चर है और पता नहीं अब आप लोगों को कैसा लगता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में हम स्टडी करते हैं। आप कहेंगे मैंने अच्छी हूँ भाई, पहले ही आपको डरा दिया कि बहुत ही बोरिंग सा लेक्चर है। समझेंगे तो समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। सिंपल सी सियासत की बातें हैं जो वैसे नहीं हमें पसंद। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। इसमें उन्होंने बात किया कि लियोनार्ड डी वाइट के मुताबिक सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी किसे कहा है। अकाउंटेबिलिटी में ये होता है कि जो भी हमारे जुडिशियल रूल्स हैं, जो भी हमारे प्रेसिडेंट्स के रूल्स हैं, इन सबको कोई ना कोई, इन सबके जो अकाउंट्स हैं, मतलब जो डिफरेंट अकाउंटेबल्स जो हमारे मुल्क हैं जिन्हें कोई ना कोई हैंडल कर रहा होता है, उसको पब्लिक ऑफिशियल्स कहते हैं। जो लोग इन डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स हैंडल कर, प्राइवेट अकाउंट्स की बात नहीं हो रही हमारे मुल्क के, ठीक है, उन्हें पब्लिक ऑफिशियल्स कहा जाता है। द मीनिंग ऑफ कंट्रोल, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी इज अ, उन्होंने कहा सॉरी ये नहीं कहना चाहिए था, मतलब गलत बोल दिया मैंने। अकाउंटेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी भी एक मैनेजमेंट कंट्रोल की किस्म है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा क्या था, अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है जिसके अंदर डिफरेंट अकाउंट को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें जो कंट्रोल करते हैं उन्हें पब्लिक ऑफिशियल कहा जाता है और उस चीज को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अकाउंटेबिलिटी भी एक मैनेजमेंट कंट्रोल है। फिर कंट्रोल का चीज है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो हमारे हैं उनको जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई हैं, हमने देखने को अपने स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे और अपने प्रोसीजर्स का फॉलोअप किस तरह कर रहे हैं। फिर ये जो कंट्रोल होता है इसकी मदद से मैनेजर जो है वो मॉनिटर कर सकता है कि तमाम प्रोग्रेस जो है पब्लिक ऑफिशियल्स की वो किस तरह जा रही है। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की। इसमें यह होता है कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो भी ड्यूटीज हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं, तो वो उस हर चीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अपनी ड्यूटीज की, अपनी मिनिस्ट्री के जवाब दे होते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक इजलास तलब करते हैं, तमाम मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और उनसे मुल्क की सूरत हाल पर का जायजा लेते हैं। और मुल्क की सूरत हाल का जायजा किस तरह लेते हैं कि हर मिनिस्टर से उसका काम पूछते हैं, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होती है, जो उसने काम किया होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। हायरार्किकल ऑर्डर, हायरार्किकल ऑर्डर में क्या होता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई भी ऑर्डर बनता है या कोई भी अथॉरिटी लेटर किसी चीज का होता है या कोई भी एक्शन लिया जा रहा होता है, तो उसको सबसे पहले लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक वो चीज पास होती है और फिर वो अप्रूव होती है। ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के नहीं कर देता कोई भी एक्शन परफॉर्म। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि जो भी सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो हर साल की अपनी एक रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि बाद में वो पेश की जाती है और उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल बजट के बारे में हम पिछले दो लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारा कोई बजट बनता है डिफरेंट मिनिस्टर सारा बजट तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को पेश करते हैं और फिर अप्रूव होने के बाद वो असेंबली में जाता है अप्रूव होने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में कह रहे हैं कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, आपका इंटरनल कंट्रोल इसका मतलब है अच्छा होगा, तो आपके जो इम्प्लॉयज हैं उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमने किसी लेक्चर में पहले भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि जो हर चीज है वो लीडर पे डिपेंड करती है। अगर लीडर अच्छा है तो वो अपने इम्प्लॉयज को इस तरह मोटिवेट रखता है, उन्हें इस तरह एक्टिव रखता है कि वो भी अच्छा काम परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल में हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल आ जाता है, जिसमें ये होता है कि जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं गवर्नमेंट में वो भी लेजिस्लेटर से पहले अप्रूव होते हैं। उनमें क्वेश्चंस होते हैं कि जो भी हमारे लेजिस्लेचर हैं वो हर दिन एक घंटे के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर से या उन लोगों से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जिन्हें उन्हें स्टेट्स मिलती हैं मुल्क के बारे में, और फिर वो उसका रिसोल्यूशन निकालते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस होती हैं हर अदारे के बारे में। और कमेटी ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है कि इनकी कमेटियां बनी होती हैं, डिफरेंट कमेटीज बनी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, पेटिशन कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये डिफरेंट कमेटी बनी होती है जो कि अपने काम परफॉर्म कर रही होती है अपने अपने लेवल पे। मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, अब एग्जीक्यूटिव जो कंट्रोल है, अब पहले हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो किस तरह कंट्रोल कर रही होती है, अब एडमिनिस्ट्रेशन पे किस चीज का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का, और इनके क्या मेथड होते हैं पॉलिसी मेकिंग। एग्जीक्यूटिव हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसकी पूरी कैबिनेट होती है, ठीक है, मतलब एक टीम होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट पॉलिसीज बना के कंट्रोल कर रही होती है। बजटरी सिस्टम क्या होता है,
हमने पहले भी देखा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बजट को प्रिपेयर करने के बाद लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करता है, लेजिस्लेचर से जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फंड को एलोकेट करता है, फिर कंट्रोल करता है, उसे नजर रखता है उस पर कि फंड किस तरह यूटिलाइज हो रहा है। रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या होता है? रिक्रूटमेंट सिस्टम में बताया जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एजेंसी है वो किस तरह इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है। ज्यूडिशियल कंट्रोल, इसे भी डिटेल से पहले पढ़ के आए, हमारा अदालती निजाम, ठीक है। ज्यूडिशियल कंट्रोल एक सिंपल सी टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है, पावर, ठीक है। हमारी अदालतों के पास हर किस्म की पावर होती है, डिसीजन लेने की पावर, एक्ट की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को भी कंट्रोल करने की पावर, और जो भी हमारी अगर गवर्नमेंट में कुछ भी हलचल होती है या कोई भी ऊंच नीच होती है तो फौरन जो हमारी अदालतें हैं वो एक्शन लेती हैं उनके खिलाफ, और हर कोई, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट भी अदालतों को जवाबदेह होते हैं। टाइप्स ऑफ रेमेडीज, रेमेडीज होता है कि किसी भी चीज को सुधारना, असलाह करना, दुरुस्त करना, एक चीज को उसकी जगह पर रखना। इसमें क्या होता है कि दो तरह के रूल इस्तेमाल होते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रूल ऑफ लॉ सिस्टम में आता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि रेमेडीज के बारे में, कि हर इंसान जो इस मुल्क में रह रहा है वो डिफरेंट, हर इंसान नहीं सॉरी, मतलब कि जो लोग हमारी गवर्नमेंट में है उनके डिफरेंट पोस्टें हैं ना, हर किसी की अपनी डिवीजन डिवीजन हर किसी का अपना एक लेवल है, कोई हाई लेवल पे है, कोई लो लेवल पे है, कोई ऑफिशियली परफॉर्म कर रहा है, कोई प्राइवेट परफॉर्म कर रहा है, तो इन सबको एक रेमेडिकली, एक रूल ऑफ लॉ सिस्टम के मुताबिक इनको सेट किया गया है कि उन्होंने किस लेवल पे काम करना है, हर किसी की स्टेटस के मुताबिक। तो ये हमारा लेसन नंबर 30 था MGT का, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है, चाहे लेक्चर बोर था, और आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मजीद लेक्चर इसी तरह रिकॉर्ड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।